Hello friends, welcome to our page Excel Stream. Let's learn today how can we make gate chart, or some people say it speedometer chart as well. By first look, it seems a very tough job, but it's fairly a simple one. Okay, it's just a combination of two charts, which is basically donut chart and a pie chart with some tricks. ओके तो आज हम याद लर्न करते हैं कि हम ये गेट चार्ट कैसे बनाते हैं, स्पीडोमीटर चार्ट, आप कुछ लोग कहते हैं इसको स्पीडोमीटर चार्ट एज वेल. ओके, और ये बहुत ही सिंपल है. ठीक है, हमने इसको कैसे बनाया है. सो इट इज शोइंग द परसेंटेज अचीवमेंट ओवर हेयर. सो वी हैव यूज दिस समरी टेबल विच इज शोइंग योर सिटी लेवल डेटा, एंड वी यूज दिस ओवर अ ड्रॉप डाउन ओवर हेयर ऑफ द सिटीज. विच एवर सिटी आर सिलेक्टेड, इट शोज मी द अचीवमेंट वैल्यू. 10%, this is showing somewhere between 6-7. Okay, so let's learn it. देखते हैं कैसे बनाया हमने. तो हम यहाँ पे move करते हैं दूसरी sheet पे. okay. यहाँ पे एक already वही same data है जो हमने last sheet में use किया हुआ है. okay. so for this, तो हमें सबसे पहले इसकी categories बनानी है chart की. okay. category. and we add value over here. so we add category. हम पहली category add करेंगे bad. वैल्यूज देंगे 25%, 50, 25. प्लीज रिमेंबर द सम ऑफ दीज वैल्यूज, दीज लेवल शुड बी 100%. ओके, एंड वी ऐड अ टोटल ओवर हियर. ओके, सो व्हाई 25 50 25? दिस इज बिकॉज वी वांट 25 ओवर हियर, 25%, 50% ओवर हियर, एंड रेस्ट 25% over here. You can change the value, so accordingly your graph will be changed. Okay, but we use 25, 50 and 25. Okay, you can add more categories if you want. Okay, so then we go to charts, insert, we'll go to donut chart, right click, then we add select data, and we add a series over here. Okay, so we add first category for the value, for the series value we'll select these four. Remember to add 100 value as well. Okay, you will get this kind of a chart. Okay, now right click, format. यू नीड टू सिलेक्ट, आपको यहां पर 270 डिग्री एड करना है. ओके, दिस चार्ट विल मूव टू 270 डिग्री. ओके, और देन फिर आप क्या करेंगे इसके अंदर से, इसके बॉर्डर्स आ रहे हैं व्हाइट व्हाइट. ओके, इसके बॉर्डर्स को आप नो लाइन कर दीजिए. ओके, वी नीड दिस, कौन सा कलर फिल करना है, आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं. वी विल यूज अ रेड कलर टू शो अ बैड परफॉर्मेंस. We'll use हम इसको येलो कलर ले लेते हैं. एंड फॉर द गुड परफॉर्मेंस विच इज रेस्ट 25%, विल यूज अ ग्रीन. ओके, एंड फॉर दिस पार्ट, फॉर दिस पार्ट विल से नो फेल. ओके, नाउ एड द नेमिंग, इसकी हम नेम एड करते हैं, लेबल सेट करते हैं. तो कैसे करेंगे, जस्ट राइट क्लिक ओवर हेयर, फॉर्मेट, सॉरी, यू नीड टू गो ओवर हेयर, एड डाटा लेबल्स, click over here, go to this option. Okay, यहाँ पे जो आपका आ रहा है, you will get a values from series. आपको यहाँ पे एक value from cells का option मिलेगा. आपको क्या select करना है यहाँ पर, we'll select these three labels. Okay, you will get just like this, और आपको इसमें से फिर values हटा देनी है. Okay, और आपको ये थोड़ा gate chart को थोड़ा broad करना है, तो हम यहाँ पर इसका size थोड़ा. Our speedometer chart or gate chart. Now, second. अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे इसकी numbering करनी है. You know, to get कि to know कि हमारी कितनी percentage आई है. Just like this. Okay. तो हम क्या करेंगे? हमको एक छोटा सा table और बनाना पड़ेगा यहाँ पर. Okay. So we'll name it. Measure. Okay. At 10. Okay.
बिकॉज आपको 100 तक चाहिए तो आपको ये 10 टाइम्स सेलेक्ट करना है. विल गॉट 80 एंड इसका टोटल कर लेते हैं. ओके एंड इसके लेबल्स भी बनाने पड़ेंगे. तो हम क्या करते हैं इसके लेबल्स के लिए, ओके तो आपको ये टेबल और बनानी है. दिस इज आवर सेकंड टेबल फॉर दिस गेट चार्ट. ओके नाउ अगेन क्या करना है आपको, over here go to select data, then हम again एक नई series add करते हैं इसके अंदर. we'll name it measure. okay and in the series value we'll select these. please remember to add 100 as well over here. okay जैसे आप okay करेंगे आपको ये मिल गया. okay to change the color हम क्या करेंगे, हम will go to और हम इस पार्ट को जैसे हमने लास्ट चार्ट में किया था, मतलब प्रीवियस जो हमने अपने डोनट चार्ट में किया था, हम इसको भी इसका कलर क्या कर देंगे, नोवेल. ओके देन वी विल अगेन फॉलो द सेम प्रोसेस. हमें यहाँ पे लेबल सेट करने हैं. ओके तो क्या करिए आप, लेबल्स जस्ट डबल क्लिक ओवर है, यू गॉट अ ऑप्शन. आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा लेबल्स का और फिर हमें वही सीरीज ऐड करनी है. सॉरी क्या करना है, यू आर नॉट गेटिंग दैट ऑप्शन, लेबल ऑप्शन. यस वैल्यू फ्रॉम सेल्स. अगेन ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, आपको अगेन यहाँ से लेके ये सिलेक्ट करना है. ओके और फिर देन आपको यू नीड टू रिमूव दिस टेक बॉक्स टू रिमूव द वैल्यूज. तो हमें हमारे पास क्या रह जाएगा आपका 10, 20, 30, 40. ओके और अगेन अगर आपको इस चार्ट का अगर आपको थोड़ा सा साइज बढ़ाना है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं कुछ लाइक दिस. ओके नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट, द स्लाइडर, द नीडल व्हिच मूव्स फ्रॉम 0% टू 100%. For that we need another table. Okay. हम क्या करेंगे, हम बनाते हैं a table name pointer. उसकी value. तो यहाँ जाए अभी आपकी value आ जाएगी. Okay. So इस ये value आएगी, जो भी आप यहाँ पे enter करेंगे value, वो आपकी needle की value होगी. Okay. 59 रिप्रेजेंट करना है इसके अंदर, तो आपको यहां पर 59 लिखना पड़ेगा. ओके देन वी विल ऐड थिकनेस ऑफ द नीडल. लेट्स एंटर वन एंड ऐड वन मोर स्टिकर, वन मोर लेबल. प्लीज रिमेंबर टू पुट द फॉर्मूला व्हिच इज 200 माइनस दिस एंड माइनस दिस. ओके दिस इज आवर थर्ड टेबल जो हम यूज करेंगे अपने गेज चार्ट के अंदर. We again go over here, again select data, we'll add another entry. Okay, this time series name is pointer and we'll add the series values, these three values. Okay, click on over here. So we'll get this kind of a chart. Now, important part, you need to go chart designs, change chart. Our category chart, what we have selected earlier, so it has been changed. Normally ये donut ही आएगा, but अगर ये change हो गया है तो you need to go to again select donut. This measure chart is also a donut chart. And for the last chart, you need to add, you need to change it to the pie chart. Okay, the pointer chart, the slicer, okay, the needle part should be a pie chart. Okay, press OK. Okay, so the our this part has been changed. ये अपने आप change हो गया है, तो हम इसको again क्या कर देंगे, आपको यहाँ पर हमें क्या करना था, 270 degree angle पे घुमा देंगे.
लाइक वी हैव डन अर्लियर. तो आपको क्या करना है, एक तो पहले इसका बॉर्डर हटा दीजिए, आपको नो लाइन बॉर्डर चाहिए. ओके, और इसका कलर, इसके थिकनेस थोड़ा बढ़ा दीजिए ताकि आपको अभी नहीं करते. सो आपने बॉर्डर हटा दिया एंड इसका कलर भी आप अभी चेंज नहीं हुआ इसकी. ठीक है, एंगल आपको भी चेंज करना है 270 डिग्री. प्लीज रिमेंबर ऑल योर चार्ट्स, ऑल दीज थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट, ठीक है, जो हमने बनाए, इनका स्लाइसर एंगल क्या होना चाहिए, 270 डिग्री. और आपको ये निडल आपको दिखनी भी होगी, तो इसकी थिकनेस थोड़ा बढ़ा देते हैं, 10 कर देते हैं, तो आपको यहाँ दिखेगा दिस पार्ट. ओके, इसको आपको क्या करना है, चेंज इट. लर्न करते ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या करेंगे आप, ठीक है, फॉर द लास्ट पार्ट दोबारा चेक करते हैं इसको. हाउ कैन वी डू इट, राइट क्लिक, सिलेक्ट डेटा, ऐड, हम इसका नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं हम इसको, पॉइंटर. ओके, यू नीड टू सिलेक्ट दिस थ्री वैल्यूज, क्लिक ओके. ओके, ऑप्शन फॉर दिस यू नीड टू सिलेक्ट अ पाई चार्ट. ओके, दिस पाई चार्ट, एंड यू नीड टू चेंज द एंगल टू 270 डिग्री. प्लीज रिमेंबर ऑल दीज थ्री चार्ट्स, 1, 2, and 3, द एंगल शुड बी 270 डिग्री. ओके, एंड दिस थिकनेस शुड बी 1. ओके, सो दिस डिटरमाइंस, दिस थिकनेस डिटरमाइन this part. okay, और इसको थोड़ा सा आप इसको 5% कर दीजिए ताकि आपको ये निडल थोड़ी सी बाहर दिख जाए. okay, तो ये बन गया आपका गेज चार्ट. ओके, बट इट इज शोइंग करेंटली 59. नाउ यू नीड टू लिंक दिस चार्ट विद दिस. ठीक है, तो क्या करते हैं हम, एक पहले हम एक इसका एक लिस्ट बना लेते हैं. ओके, विल क्रिएट अ लिस्ट. कैसे बनेगी, नेम रेंज कैसे बनेगी इसकी, विल गो ओवर हेयर, विल गो टू द नेम रेंज, न्यू, लेट्स ऐड रीजन, डेटा इज दिस. ओके, विल ऐड अ ड्रॉप डाउन ओवर हेयर, हम यहां will go to data on this option, data validation, will select place, and over here in data, in the source value, will select region. Okay, the same name which we jo humne isko name range banayi thi. Okay, we have given the name region over here. Okay, okay. So aapka ye yahan pe drop down ho gaya. Okay, but aapko abhi isko is value ko isse link karna hai. एक छोटी सी फॉर्मेटिंग कर देते हैं इसके पहले, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस. ओके, नाउ व्हाट यू नीड, आपको क्या चाहिए यहाँ पे, कि जैसे आप चेन्नई सिलेक्ट करें ये चेंज हो जाए. ओके, नाउ टू चेंज दिस यू नीड टू चेंज दिस वैल्यू, राइट. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम लगाएंगे वी लुकअप, विल यूज वी लुकअप, first then we select the table array which is this. Okay, is this, and we need the value of 1, 2, 3, and 4. We need a fourth column value, and since this is in the number format, number format, your values in the percentage, so hum isko karenge into 100 kar denge. अभी आप बैकग्राउंड वैल्यू क्या करिए, आप इसको सॉरी बैकग्राउंड सॉरी बट आई एम सेइंग कि आप इसका बॉर्डर कलर हटा सकते हैं, आउटलाइन हटा सकते हैं, तो आपका सिंपल चार्ट हो जाएगा. एंड इसका फिल
भी आप क्या कर दीजिए, नो फिल। ओके, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। मर्ज कर देते हैं और इस चार्ट को okay, ये आपको बॉर्डर्स दिख रहे हैं, इसके बॉर्डर हम क्या करते हैं, इस चार्ट का बॉर्डर हम यहाँ पर नो लाइंस कर देते हैं। ओके, और यू कैन चेंज और यू कैन यूज व्हाटएवर बैकग्राउंड यू वांट टू यूज। ओके, नाउ सी हियर इज योर गेट चार्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड। गेट चार्ट बन गया है, आप डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे, यू विल गेट अ 77%। ओके, व्हाट एवर यू सेलेक्ट यू गेट द परसेंटेज अकॉर्डिंगली। इफ यू चेंज एनी वैल्यू ओवर हियर 90 कर दिया। ओके, सो फ्रेंड्स होप यू लाइक दिस, इट्स अ फेयरली सिंपल वन। आपको थोड़ा टफ लगेगा शुरू में, बट वंस यू प्रिपेयर्ड आपका ये तैयार हो जाएगा। सो गाइज होप यू लाइक दिस वीडियो, please subscribe my page in case you like this video, and for more tricks on Excel you can follow my page. Hope you like it. Bye, good night.